इनके पास बिल भी है, ये लोग बिल भरते भी हैं, और बिल है तो इसका मतलब मीटर भी है। भिवंडी शहर का जो किनारे का पश्चिम भाग है, जो कामवारी नदी से लगकर है और ईदगाह रोड का इलाका आता है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, खालिद गुड्डू का ये बंगला है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ईदगाह रोड का वो इलाका आता है। ये सारी औरतें, आज 11 तारीख है और कल 12 बकरीद का दिन है, सारा काम छोड़कर ये औरतें यहाँ आई हुई हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय महिलाओं की बीजेपी सरकार को बहुत फिक्र है, हर मामले को लेकर उनके साथ में है, मगर भिवंडी शहर की जो महिलाएँ टोरेंट पावर को लेकर आज यहाँ मदद के लिए आई हुई हैं, तो इनके बारे में पार्टी की क्या नीति है, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं टोरेंट के बारे में, जो उन्होंने भिवंडी में एक प्रोग्राम में ऐलान किया था कि टोरेंट का मामला हल किया जाएगा, तो उस नीति का क्या हुआ। कल त्यौहार है और ये औरतें मैदान में हैं, और इन्होंने धमकी दी है कि अगर यहाँ से भी उन्हें अगर न्याय नहीं मिला तो सीधे टोरेंट ऑफिस पहुँचेंगे। तो दिन में सुबह 7-6 बजे पावर कटती है तो 11 बजे आती है, फिर 2 बजे कटती है, कभी 2 बजे कभी 3 बजे, तो शाम में 7 बजे देते हैं। और अभी जब से पानी भरा 10 दिन से हाफ पावर दे रहे हैं, दिन भर पावर रहती थी, रात में रहते हैं हाफ, 3 बजे रात में फिर काट लेते हैं, और किसी की पावर हाफ है किसी की वो भी नहीं। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग ईदगाह रोड गौरीपाड़ा पानी टाकी के पास से आए, झोपड़पट्टी से। तो अभी आप किसके पास आए थे यहाँ? अभी हम लोग उद्धव खाली भाई के पास आए, तो उन्होंने हमको अभी बोला है आपके हमारी पावर उन्होंने सॉल्व करके देंगे त्यौहार तक, त्यौहार के बाद फिर उसके बाद वहाँ पर करेंगे। अगर इन्होंने क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ? पावर की तकलीफ है हम लोग को, से आए। कितने साल हो गया आपको? 2 साल हुआ, सुबह 6 बजे से काटती 11 बजे तक कट जाती है, फिर 2 बजे से काटती है और 7 बजे पावर देती है, और अभी तो तकलीफ तो निकाले हम लोग टोरेंट ऑफिस जाएंगे, मोर्चा निकालेंगे, मोर्चा निकालेंगे और जाती है हम लोग से बहुत तकलीफ होता है। हाँ, जो हम लोग के पास पावर नहीं, 10 दिन हो गया, रात में देता है दिन में तो एकदम नहीं है। हम लोग सब खाली गुड्डे के पास आए, अगर वो हल कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग त्यौहार बाद मोर्चा निकालने वाले हैं। पूरे मोहल्ले में तो 10-20 औरतें आए हैं, पूरे मोहल्ले मिल के जाएंगे। किसी को पावर नहीं, सबके हाथ में देखो बिल है, हम लोग सब बिल भरते हैं, इतना तकलीफ देते हैं, इतनी तकलीफ थी वो झोपड़पट्टी में रहती है, और कहीं नहीं है। पावर देंगे तो उतना बिल कितनी देंगे, जितनी बिल आई जितना 24 घंटे में 4 घंटे पावर दोगे तो यूनिट कहाँ से बताएगा सर? इसलिए आप लोग से यही गुजारिश है कि हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, बात सही है, मगर इतने अत्याचार ना नहीं कि करें हम लोग के ऊपर। हम लोग गरीब लोग हैं, मगर बिल एकदम ईमानदारी से भरते हैं। 4 घंटा पावर देगी तो यूनिट नहीं चलेगा सर। क्या 2 साल से क्या तकलीफ है? बस यही सुबह 6 बजे पावर काटती है, 11 बजे आती है, और फिर शाम में दोपहर में 2 बजे काट जाती है, शाम में 7 बजे आती है, कभी आती कभी नहीं आती, तो कभी आप, और 10 दिन से तो बिल्कुल हमारे यहाँ पावर आई नहीं। 2 साल से कटौती कर रहे हैं? हाँ जी, 2 साल से कटौती। और अभी क्या तकलीफ है? अभी तकलीफ है हमारे यहाँ 10 दिन से पावर आई नहीं, जिसकी किसी के हाथ है हम लोगों की तो वो भी नहीं है। अच्छा। और हम लोग ने वहाँ पर अपने तरफ ऑफिस में गए थे, बोले तो हम बोले यहाँ कोई सुनवाई नहीं, आप आगे जाइए। आगे हम लोग कहाँ जाएँ, हमें कुछ मालूम नहीं, हमारे घर के आदमी सब काम पे जाते हैं, हम लोग लेडीज लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अगर मतलब कल त्यौहार है और त्यौहार के हिसाब से, कल त्यौहार है इसलिए हम आपके पास त्यौहार के हिसाब से आए हैं। अब आप इसका हल निकालिए, जो भी हो हमको हमारे करके दीजिए, फिर 2 दिन के बाद अब जहाँ हम आगे जाएंगे। क्या कहेंगे ये महिलाएं जो आपके पास समस्या, विशेष तौर पर जो टोरेंट पावर की समस्या के बाद आपके पास लेके आए थे, क्या माजरा इसके बारे में खुलासा करेंगे? आज ईदगाह रोड से तकरीबन 200 लेडीज और जेंट्स मिलकर टोरेंट कंपनी के विरोध में इनका एक मोर्चा था कि हम लोग 2 साल से हम लोगों को जो है पावर कटौती हो रही है, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 2 बजे से दोपहर 2 बजे से शाम को 7 बजे तक उनके पूरे एरिए में टोरेंट कंपनी पावर बंद करके रखती है, और जब भी कोई सवाल करता है उनसे, काफ़ी औरतें जमा होकर टोरेंट कंपनी में भी गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो है झोपड़पट्टी की हम लोग को ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से जो है डायरेक्शन है कि झोपड़पट्टी की पावर बंद रखा जाए, कटौती किया जाए, तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिसके वजह से
जिसके वजह से पावर कटौती किया जाए या गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल हो जिसके वजह से ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। टोरेंट कंपनी जो है, जो चोर कंपनी है, इस चोर कंपनी में जो लोग हैं भिवंडी शहर के, उनके जो दुख हैं वो चोर कंपनी देखती नहीं है। ये सिर्फ इस शहर को लूटने का काम और लोगों के ऊपर बोगस केसेस बनाने का काम और गलत तरीके से उनसे पैसे वसूलने का काम, सिर्फ उसको पैसे वसूलने से मतलब है, ना कि इस शहर की आवाम को अच्छी सर्विस देने से। आज यहाँ से जो ईदगाह रोड से काफ़ी महिलाएं और कुछ जेंट्स वगैरह वहाँ से आए थे, आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से इस चोर कंपनी को ये पता चलना चाहिए कि इन्होंने एक सही जगह पे कदम रखा है और जो कुछ इनके साथ दो साल से हो रहा है इस चोर कंपनी से, आज जबकि कल त्यौहार है, ये इनको कितनी जिम्मेदारी का काम है कि इनको ये सोचना चाहिए कि कल ईद का बकरा ईद का त्यौहार है और उन लोगों को ढंग से पावर देना चाहिए। यहाँ बच्चों का स्कूल होता है, लोग इस त्यौहार पे लोगों के यहाँ मिलने आते हैं और ऐसे दिनों में भी इनकी लापरवाही देखो कि ये उनको सही जवाब नहीं दे रहे और उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो उनको मैंने एक दो ऑफिसर को टोरेंट में फ़ोन लगाया था मगर उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं है। तो ये अगर जिम्मेदारी उनकी उन्होंने निभाया नहीं तो हमने उनको कहा है कि दो दिन आप लोग रुक जाओ, मंगल के दिन इस चोर कंपनी को कैसे सुधारना है और इनको कैसे सबक सिखाना है। और हम पूरा ईदगाह का जो हजारों लोगों का वहाँ पे घर है जिनकी पावर नहीं है, सारे लोगों का तत्काल में इनके खिलाफ एक मोर्चा निकालेगी। जब तक इनकी चमड़ी और इनके लोगों की ठुकाई नहीं होगी तब तक ये सुधरने वाले लोग नहीं।